नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका। शारदीय नवरात्र अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। आठवें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविदाएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सह फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूज कर उनका व्रत भी खोलते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर पे हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार लिया करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरम्भ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा था। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वर्ण उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनकी समस्याओं को दूर कर देती है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इसे 9 दिन व्रत रखने के समान ही फल मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र आभूषण भी सफेद है। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देने वाली वर मुद्रा में है। माता का ये रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पापों का नष्ट हो जाता है। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वे हलवा पूरी सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। महागौरी को गायन और संगीत अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।